दोस्तों नमस्कार, आईएएस पीसीएस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी व मैपिंग साथ में कुछ करंट अफेयर्स के 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेकिन पीडीएफ पाने के लिए आईएएस पीसीएस एग्जाम्स या लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है कि नीरी नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, इसकी फुलफॉर्म हो गई, ये नागपुर में स्थित है, इसका मुख्यालय ये कई बार पूछ चुका, कब स्थापित हुआ? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 1958। सीधे सही आंसर बताएंगे ताकि आपका समय बच जाए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 100% जैविक राज्य घोषित किए जा चुके हैं? तो पहला राज्य पूछे तो सिक्किम होगा, लेकिन उत्तराखंड और त्रिपुरा तीन राज्य, ये तीनों जैविक राज्य घोषित हो चुके हैं, सिक्किम उत्तराखंड और त्रिपुरा। पूर्वोत्तर का यानी सिक्किम और त्रिपुरा और साथ में उत्तराखंड, तीनों जैविक 100% घोषित हो चुके हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हिम तेंदुआ को संरक्षित करने के लिए नीदरलैंड, तो पहला यही क्वेश्चन पूछेगा कि हिम तेंदुआ को संरक्षित करने के लिए किसके सहयोग से? तो नीदरलैंड के सहयोग से देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। अब बात आइए कि हिम तेंदुआ को IUCN की रेड लिस्ट में किसमें इसे रखा गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वल्नरेबल, इसको किसमें वल्नरेबल या सुभेद की कैटेगरी में इसे रखा गया है। IUCN की अगर यहाँ बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में होती, ग्लैंड स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न राज्यों में मैंग्रोव के क्षेत्रफल के हिसाब से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी जो मैंग्रोव का घटता क्रम सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात है, फिर अंडमान निकोबार, फिर महाराष्ट्र या लेडी लगा हुआ, तो पश्चिम बंगाल, गुजरात, फिर अंडमान निकोबार और फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। तो चार का आंसर क्या हो जाएगा, पहले से क्रम लगा 1 2 3 4, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न घटनाओं का कालक्रमानुसार सही व्यवस्थित रूप क्या है, ये आपको बताना है। साइलेंट वैली आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन। जब भी ऐसे आ जाएं तो आप डेट मत याद रखिए, आप याद करिए, लॉजिक सेट करिए, क्योंकि डेट बहुत सारी याद कर लेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, और जब कंफ्यूज हो जाएंगे तो वहाँ पर आपका याद नहीं आएगा, लेकिन जब कुछ कुछ घटनाओं के साथ कहानी बना के दिमाग में फिट कर लीजिए तो आपका याद रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है, और किसको बचाने के लिए? वैली घाटी में जो पेड़ पौधे लगे होते उसी से, यानी सबसे पहले चिपको की शुरुआत होती है, तो चिपको आंदोलन सबसे पहले आएगा। चिपको आंदोलन के बाद फिर कौन आएगा, यानी ये वैली, साइलेंट वैली या इसे आपका लोग कि पेड़ों से लोग चिपक गए चुपचाप, जब भी उनके ऊपर अत्याचार, उनको मारा पीटा जाता था, कुछ बोलते नहीं थे तो साइलेंट रहते थे, साइलेंट हो गए। जब ये रहते थे तब जाके वो नर्मदा को बचा पाए, और नर्मदा बची तो पूरा का पूरा जंगल बच पाया, क्योंकि नर्मदा और इसके आसपास पेड़ पौधे सब बच पाए, नर्मदा बची तो उससे पानी, आसपास के पेड़ पौधे उनके लिए पानी पहुंचा, तो पूरा का पूरा जंगल बच पाया। तो जंगल बचाओ आंदोलन, ये कहानी आपके दिमाग में फिट रहेगी तो आप घटनाओं का अवरोही क्रम लगा पाओगे, यानी ये हो जाएगा 4, उसके बाद 1, सबसे पहले कौन शुरू हुआ, चिपको, और चिपके लोग किससे, चिपक के चुपचाप रहते थे तो चिपको आंदोलन, फिर साइलेंट वैली आंदोलन, साइलेंट वाली के बाद फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, और नर्मदा बचाओ आंदोलन के बाद फिर लास्ट वाला क्या हो जाएगा, जंगल बचाओ आंदोलन, यानी ये हो जाएगा सही आंसर। चर्चा में रहा मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव का संबंध किससे है, तो ये सऊदी अरब के द्वारा, इसका घोषणा किसके द्वारा की गई, तो सऊदी अरब के द्वारा की गई है। निम्न में से पवन ऊर्जा की संभाव्य क्षमता किस राज्य में, यानी विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, ये आपको बताना, तो ये तमिलनाडु में पवन ऊर्जा की पोटेंसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। E20 का संबंध किससे है, तो एथेनॉल, E20 का संबंध किससे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एथेनॉल से हो जाएगा। अब जो लक्ष्य 20% एथेनॉल मिलाने वाला था, पहले ये 2030 था, अब इसको इंक्रीज करके 2025 कर दिया गया है। अगला है यूपी वन निगम की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी 25 नवंबर यूपी वन निगम पूछे, ये वन निगम है तो ये 1974, लेकिन 25 नवंबर 1974। हाल ही में किसे टायलर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, तो ये टायलर पुरस्कार 2020 है, तो ये किसे दिया गया,
ये आपको बताना है। तो ये दिया गया पवन सुखदेव को, पवन सुखदेव को, इंटरनेशनल एसिड रेन इन्फॉर्मेशन सेंटर ये कहाँ पर स्थापित किया गया ये आपको बताना है। तो ये ओस्लो में स्थापित किया गया। कौन? एसिड रेन, नॉर्वे के ओस्लो शहर में इंटरनेशनल एसिड रेन इन्फॉर्मेशन सेंटर इम्पोर्टेंट। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मेलन नहीं है? राजस्थान सुमेलन नहीं है, राजस्थान, अंता, उड़ीसा, गौरीपुर, गुजरात, सिक्का, बिहार, बरौनी, ये स्थान है। बताना इसमें कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गौरीपुर ये वाला 12 का भी गलत है, बाकी राजस्थान अंता है, गुजरात का सिक्का, बरौनी, ये सब तेल शोधन केंद्र हैं। प्राकृत का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं होता, या कथन किसका, यानी जो प्राकृत होती है हमेशा एडवाइजर की भूमिका में होती, इससे ज़्यादा नहीं, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो ये वाइडल डी ला ब्लास के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। कराल बस्ती का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो कराल बस्ती का संबंध मसाई जनजाति, जो मसाई होती है वो कराल बस्ती का निर्माण करती है। हिटलर ने बृहद स्तर विश्व के विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया? हिटलर नामक जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा कृषि को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 13 क्षेत्रों, पूरे विश्व का जो कृषि क्षेत्र कितने बनाए गए? 13। अवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है एडू टोइट के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक रबर का मुख्य उत्पादक देश नहीं है? अब ये सब हम बता चुके हैं, रबर ये सब कौन प्रमुख उत्पादक हैं, तो उनमें थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, लेकिन ब्राज़ील इसमें प्रमुख देश में नहीं आएगा। तापी संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था? तो तापी संकुचन सिद्धांत ये जेफ्रीज के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जेफ्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, जेफ्रीज। मैग्नीज उत्पादक राज्यों का सही क्रम क्या? मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश के द्वारा किया जाता है? यहाँ देशों का क्रम आपसे पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। अवरोही क्रम में लिखना उत्पादन, तो मैग्नीज का पूछ रहा, तो नंबर एक पे क्या आ जाएगा? दक्षिण अफ्रीका आ जाएगा नंबर एक पे, दक्षिण अफ्रीका। नंबर दो पे चाइना, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, ये क्रम है। मैग्नीज उत्पादक राज्यों का सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका, फिर चाइना चोर, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चौथे नंबर पर अपना भारत का स्थान आता है। भूगोल मानव पारिस्थितिकी का विज्ञान है या कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये बर्रोस के द्वारा ये दिया गया था। बर्रोस ने कहा था कि जो भूगोल है वो मानव पारिस्थितिकी का विज्ञान है। निम्नलिखित में से विश्व के कहुआ बंदरगाह, सेंटोस को कहुआ बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो कहुआ बंदरगाह पूछे सेंटोस। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह एक ही है, उसका नाम क्या? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह में न्यूयॉर्क है। भारत में शीर्ष कपास उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, 23 नंबर में आपको बताना है। तो ये ऑलरेडी पहले से लगे हैं, यानी गुजरात का अवरोही क्रम ही है, सबसे ज़्यादा पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। कपास उत्पादन में भारत की रैंक क्या है विश्व में ये आपको? तो चाइना चमगादड़ सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता है, और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर भारत का स्थान आता है। तो इसमें कपास उत्पादन में पूरे विश्व में भारत की कौन सी स्थिति है? तो भारत की पूरे विश्व में कौन सी स्थिति है? तो भारत पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे आता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसका जनक किसे कहा जाता है? तो इसके जनक रेटजल कहलाते हैं। कौन? रेटजल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। मछली उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? सबसे ज़्यादा मछली कौन उत्पादन करता है? तो ये वही चाइना चमगादड़ सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करता है। लौह उत्पादन केंद्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही? युग्म सही सुमेली नहीं है, ये आपको बताना है। भिलाई पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल सही है, राउरकेला उड़ीसा, बंडपुर पश्चिम बंगाल, लेकिन ये भिलाई पश्चिम बंगाल में नहीं है, बोकारो भिलाई ये सब झारखंड में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 27 का ए वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 28, भारत की सबसे बड़ी यानी गल्फ पूछ रही कौन सी गल्फ है? खम्भात, कच्छ, मन्नार, बे ऑफ बंगाल। तो इसका आंसर ही लगा दो कि बे ऑफ बंगाल सबसे बड़ी पूछे तो बे ऑफ बंगाल हो जाएगा। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 29 में किजिलकुम मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये किजिलकुम दो मरुस्थल हैं, एक
किजिल कुम है, एक कराकुम। कराकुम आपका पहले से पूछा जा चुका, तुर्कमेनिस्तान में है, लेकिन अब किजिल कुम चांसेस ज़्यादा है कि पूछा जाए, तो ये उज्बेकिस्तान, यानी जो काऊ लिखते हो, तो ये आपको झील बालका झील तो कजाकिस्तान में है, और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच कौन, अराल सागर है, अराल सागर, दो हो गया। और उसके बाद फिर उसके बाद आइए अगला समझिए कि किजिल कुम पूछे, दो मरुस्थल, एक कराकुम एक किजिल कुम। कराकुम, कराकुम पूछे तो तुर्कमेनिस्तान, और किजिल कुम पूछे तो उज्बेकिस्तान। ये काऊ वाला किजिल कुम तो ये उज्बेकिस्तान हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाए, उज्बेकिस्तान। किजिल कुम कहाँ है, उज्बेकिस्तान, तो 29 का आंसर ए हो जाएगा, पूछा जा सकता है। एसडीजी इंडेक्स 2020-21 के बॉटम 5 में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, बॉटम 5 का इसमें पूछा है, तो इसमें बिहार है, उत्तराखंड है, बिहार झारखंड असम तीनों है, लेकिन इसमें उत्तराखंड शामिल नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, अवध, जामदाजी, मेरठ, बालूचारी बुनाई वाराणसी, बदला कढ़ाई लखनऊ, ये इम्पॉर्टेंट है, ये हैंड ब्लॉक जो फर्रुखाबाद में होता है ये भी सही है, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, 31 का अवध जामदानी, मेरठ में नहीं होती अवध जामदानी, ये गलत है, बाकी ये सब सही है। G20 की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वसुधैव कुटुंबकम ये कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया है महाउपनिषद से, कहाँ से लिया गया, महाउपनिषद से लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, पटोला गुजरात, हिमरू महाराष्ट्र, बंदी बंधानी उड़ीसा, कुनबी बुनाई कर्नाटक में होती क्या, तो अब आपको बताना है पटोला, आपको ये करंट वाले में भी जामदानी पटोला ये सब गुजरात का डिस्कस किया तो सही है, मंद बंधानी उड़ीसा ये भी सही है। अब दो बचे, ऐसे आप वहाँ भी ऑप्शन एलिमिनेट करिए। अब इसमें पूछा है कौन सा युग्म सही सुमेलित हैं, तो ये तो सही सुमेलित है, ये भी सही सुमेलित है, हिमरू महाराष्ट्र का और कुनबी बुनाई कर्नाटक का। अब ऑप्शन अब चालू है, तो इसमें कौन कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना था, तो इसमें सही सुमेलित क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी पटोला गुजरात का ये सही है, हिमरू महाराष्ट्र का ये भी शामिल है, बंद बंधानी उड़ीसा ये भी शामिल, लेकिन कुनबी ये बुनाई ये कर्नाटक की नहीं, ये है गलत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 ये वाला सही है। एट्टी को पक्का खिलौने के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो ये कौन, आंध्र प्रदेश, एट्टी को पक्का खिलौने पूछे तो ये आंध्र प्रदेश से जाना जाता है। यूपी में कहाँ पर सांझी चित्रकला प्रसिद्ध है, सांझी चित्रकला के लिए कौन जाना जाता है, मथुरा, सांझी चित्रकला पूछे तो इसके लिए कौन, मथुरा जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यानी तत्ववाद जिसे कार्डोफोन का कहा जाता, कार्डोफोन का एक उदाहरण नहीं है, कौन सा कार्डोफोन का उदाहरण एक नहीं है, सारंगी, संतूर, बीना, शहनाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी शहनाई, बाकी संतूर, सारंगी और बीना एक में सब आते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो ये पेरिस, और नदी पूछे तो सीन नदी, नदी पूछे तो सीन नदी इसका आंसर हो जाएगा, 37 का आंसर सी होगा। 38, 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल भीमा शंकर स्थित कहाँ है, तो ये भीमा शंकर कहाँ, महाराष्ट्र में भीमा शंकर स्थित है, कहाँ स्थित है, भीमा शंकर महाराष्ट्र में। पीएम द्वारा किस गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया, मोढेरा गुजरात का, मोढेरा कहाँ है ये पूछा जाए, गुजरात, मोढेरा गुजरात। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अंबेडकर सर्किट में शामिल नहीं है, महू, नागपुर, दादर और ABC, यानी सभी शामिल है अम्बेडकर सर्किट में, तो इसमें सभी शामिल है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष 5 में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद केरल ये शामिल है, चंडीगढ़ भी शामिल है, लेकिन इसमें दिल्ली शामिल नहीं है, याद भी करवाए हैं करंट वाली में। श्रृंगेरी में स्थापित श्री शारदा पीठ का संबंध किससे है, 42 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा, तो ये यजुर्वेद है, किससे संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन एक खट दर्शन में शामिल नहीं है, तो इसमें कौन, वैशेषिक है, वेदांत है, साख्य, लेकिन कापाली की इससे इसका संबंध नहीं है, तो इसका आंसर हो जाए गड्डी। असम के अहोम वंश का संस्थापक कौन था, तो छोलुंग सुकाफा ये अहोम वंश का संस्थापक था। अगला, राजा राममोहन राय द्वारा निम्न संस्थाओं का काल क्रमानुसार ये आपको बताना है, हिंदू कॉलेज 1815, आंग्ल वैदिक कॉलेज 1821, वेदांत कॉलेज 1825, महासभा 1800, अब इसमें लगाना है, तो 45 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, 45 का होगा 1, 2, 3, 4, पहले से ही सब लगे हुए हैं, सबसे पहले हिंदू कॉलेज आएगा 1800,
1998। फिर एंग्लो ओरिएंट कॉलेज आएगा, फिर वेदांत। ये क्या हो गया यार, वेदांत कॉलेज आएगा। तो ये आप ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो ज़्यादा ये है कि आप बिल्कुल पहले हिंदू कॉलेज आएगा, फिर एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, फिर वेदांत कॉलेज, या सारे कॉलेज वाले तो एक साथ याद कर लो। सबसे पहले हिंदू, हिंदू कॉलेज, फिर ओरिएंट वैदिक कॉलेज, हिंदू कॉलेज, ओरिएंट वैदिक, फिर वेदांत कॉलेज, जो सबसे लास्ट में महासभा। ये कब कब स्थापित हुए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, 1, 2, 3 इनका क्रोनोलॉजी हो जाएगा। सबसे पहले हिंदू कॉलेज, फिर वेदांत कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज, उसके बाद ओरिएंटल कॉलेज के बाद वेदांत कॉलेज और फिर महासभा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? ब्रह्म समाज 1828, भारतीय ब्रह्म समाज 1865, साधारण ब्रह्म समाज 1878, आत्मी सभा 1814। तो ये वाला गलत है। कौन सा 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये 1865 नहीं, 1866 में इसका विभाजन हुआ था और फिर भारतीय ब्रह्म समाज निर्मित हुआ था। ब्रह्म समाज 1828 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय। किसके द्वारा की गई थी? तो कई लोग इसको लगाएंगे और फिर क्या कहेंगे, सही है यहाँ ब्रह्म। देखो एग्जाम में क्या होता है, तो ये ब्रह्म समाज नहीं पूछ रहा, ब्रह्म सभा पूछा गया है। अगर ब्रह्म समाज होता तब राजा राम मोहन राय, लेकिन हम लोग ध्यान से क्वेश्चन रीड नहीं करते और फिर आंसर गलत लगा देते। ब्रह्म सभा पूछे तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये स्थापित की गई थी 1828 में, इसीलिए तो यहाँ क्वेश्चन डाला गया। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यस्य अनगीता, सिंथेसिस ऑफ योगा, आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सावित्री, ये लीजेंड ऑफ ए सिंबल। इनका क्रोनोलॉजी ऑर्डर लगाना है, तो इनका लेकिन क्रोनोलॉजी ऑर्डर पहले से लगा हुआ है। तो सबसे पहले अरविंदो घोष के द्वारा ऐसा भी लिखा गया, यस्य अनगीता लिखते हैं, फिर सिंथेसिस ऑफ योगा, यस्य अनगीता सिंथेसिस ऑफ योगा, फिर आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और फिर सावित्री। लास्ट वाला सावित्री, इस बात का ध्यान रखिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वेटिकन रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा देव सहाय पिल्लई को संत की उपाधि प्रदान की गई और वह पहली भारतीय बने जो आम आदमी इस प्रकार की उपाधि मिली, दोनों इसमें सही है। अगला, मजम अल बहराइन पुस्तक के लेखक कौन है? मजम अल बहराइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? दारा सिकोह के द्वारा मजम अल बहराइन पुस्तक लिखी गई है। बल और एक और अभी बताए हैं, राज तरंगवरी का अनुवाद किस नाम से किया गया? अस्मार, बहर बहर अल अस्मार के नाम से। थेरवाद निम्नलिखित में से किसका उपसंप्रदाय है? तो ये महायान का है, थेरवाद, बेरी गाथा, थेरवाद, ये सब 51 का क्या हो जाएगा? सॉरी थेरवाद ये है, तो ये हीन यान हो जाएगा, महायान नहीं, हीन यान, ध्यान रखिएगा, थेरवान हीन यान से संबंधित है। बंकिम चंद चटर्जी द्वारा आनंद मठ कब प्रकाशित किया गया? ये भी इम्पॉर्टेंट है, आनंद मठ किसने लिखा? बंकिम चंद चटर्जी, और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 1882 में। सिक्कों पर अंकित प्रतीक के संदर्भ में कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? चालुक्य, वराह, पल्लव, वृषभ, चोल, बाघ, होयसल, मत्स्य। अब इसमें कौन सा युग गलत है? तो ये डी वाला गलत है, बाकी तीन याद कर लीजिए। चालुक्य का वराह था, चालुक्य का क्या था? वराह, बादामी के चालुक, बंगी के चालुक, वराह, ये कई कल्याणी के चालुक, तीन प्रकार के चालुक यहाँ हुई है, तो उनका चालुक्य का क्या था? वराह। पल्लव का था वृषभ, और चोल का था बाघ। चोल सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में ऊंचाइयों पर पहुंचा, चोल था, और सबसे बलशाली राज के रूप में माना जाता है, तो जैसा नाम वैसा काम भी होगा, जाहिर सी बात है, बाघ को ही अपना प्रतीक बनाएगा, तो चोल का था व्याघ्र, बाघ। लेकिन इसके पहले, चोल के पहले कौन रहा है? पल्लव, और पल्लव ने अपना वृषभ यानी बैल को, अपना सांड, इसको बैल कह लीजिए, सांड कह लीजिए, वृषभ को, वृषभ या बैल या सांड को अपना बनाया था। तो बाघ चोल का हो गया, वृषभ किसका हो गया? पल्लव का, और चालुक्य का वराह। लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के संदर्भ में बताना, प्रथम विजेता इसके कौन थे? अमेरिकी गोल्फर टाइगर वुड्स, और यह पुरस्कार सबसे अधिक बार रोजर फेडरर के द्वारा, फिर रोजर फेडरर को मिला है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दोनों बात सही है, रोजर फेडरर सबसे ज़्यादा पाए हैं और टाइगर वुड्स पहली बार इसको जीते थे।
थॉमस कप को सर्वाधिक बार किस देश के द्वारा जीता गया? अगला, जो थॉमस कप है उसको सर्वाधिक बार किसने इंडोनेशिया ने जीता है? यही तो बना था कि 28 बार के इंडोनेशिया विजेता को भारत ने पहली बार निपटा दिया। अराल सागर अभी बताए, अराल आए तो काऊ, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कोने में है भाई, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान पहले वाले में है। भूवैज्ञानिक काल मापक्रम के अनुसार चतुर्थ कल्प में दो युग होते हैं, और चतुर्थ जो क्वार्टनरी कल्प है उसमें दो युग होते हैं, वो कौन से हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होलोसीन प्लेस्टोसीन, इसका बी वाला, होलोसीन और प्लेस्टोसीन। अगला, निम्न ग्रहों को घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में इनको लगाना है, तो इसमें पृथ्वी हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, सबसे कम इसमें शनि का होता है, पृथ्वी सबसे ज़्यादा, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी, पृथ्वी के जस्ट बाद पृथ्वी। अब ऐसे याद रखिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको? शुक्र को कहा जाता है, जाहिर सी बात उसकी सारी विशेषताएं पृथ्वी जैसी है, उसका घनत्व ज़्यादा होगा तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी, फिर शुक्र, और उसके बाद बृहस्पति, और सबसे कम शनि होता, तो ये लगा लीजिए, ये पूछा जा सकता, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा नहीं है? यानी शीत धारा नहीं मतलब गर्म धारा की बात हो रही है। पेरू, ये तो ठंडी ही है, पेरू वाली कौन सी है? ठंडी है, कभी कभी है, क्या हो जाती है, गर्मा जाती है। उसके बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये भी ठंडी जलधारा है। बेंगोला, ये भी ठंडी है, लेकिन पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा याद रखिए, पूर्वी, पूरब, सूरज पूरब में निकलता है और पूरब में निकलेगा तो प्रकाश पहले पाएगी, जल्दी गर्म हो जाएगी तो गर्म ही होगी, जाहिर सी बात है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि पूर्वी दो दो ऑस्ट्रेलिया लिखा, कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसमें 61 का आंसर क्या हो जाएगा? पी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा क्या है? ये है भाई गर्म, पश्चिम वाली ठंडी है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? आग्नेय नहीं है, बाकी कौन? ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, हाँ गिब्रो है, लेकिन स्लेट आग्नेय नहीं है। अगला, पोडसोलाइजेशन की प्रक्रिया प्रमुख रूप से कहाँ पर पाई जाती है? तो ये विस्वती वनों में पाई जाती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? औकेंद्र, हाइपोसेंटर, भूतल पर वह बिंदु होता है जो उद्गम फोकस के समीपतम होता, नहीं, ये हाइपोसेंटर नहीं बोलते, मान लो भूकंप आया और यहाँ से इसको बोलते हैं एपी सेंटर, जो भूकंप के पास बिल्कुल होता है, फोकस जहाँ से भूकंप निकलता उसी के पास, जहाँ सबसे पहले ये अनुभव की जाती हैं उसको बोलते हैं एपी सेंटर, भूकंप एपी सेंटर। तो ये पहला तो हो गया गलत, और पहला गलत हो गया तो सीधे ऑप्शन पे जाइए, ये कटा, ये कटा, बचा दो तो बिल्कुल सही है, तो रीड ही करने की जरूरत नहीं। अधिक घनत्व वाले पदार्थों भूकंपी तरंगों का भी एक सर्वाधिक होता है, बिल्कुल वह सही। पी, तरंगे तीव्र गति से चलती हैं और भूतल पर सबसे पहले पहुँचती, ये भी सही है। तो यहाँ पर बी वाला इसका क्या हो जाएगा? 62 का भी आंसर सही हो जाएगा। 62 का आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, एपी सेंटर, ये सही तो है। एक अधिक घनत्व वाले पदार्थों से भूकंपी तरंगों का वेग अधिक होता है, पहला वाला सही है और तीसरा वाला सही है, पी तरंगे सबसे, ये वाला गलत है। तो एक और तीन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मान लो यहाँ ये फोकस हो गया, और फोकस के पास ही जो बिंदु होता है उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर, और पृथ्वी की सतह पर जहाँ पर सबसे पहले 90 डिग्री पर भूकंपी तरंगे पहुँचती उसको बोलते हैं एपीसेंटर। तो ये वाला पहला सही है, तीसरा ये दो वाला इसमें गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में डेनिश लोगों ने अपनी बस्ती बसाई थी? डेनिश का मतलब ट्रेंकोबार, तो ये ट्रेंकोबार हो जाएगा, 63 का आंसर होगा डी। स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ निम्नलिखित में से कहाँ शहीद हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान, तो 64 का आंसर बी। 65, मनसबदारी प्रथा के संदर्भ में क्या सही है? सेना के सभी सिपाहियों को मनसब आवंटित किया गया था, समानता वंश के आधार पर मनसब दिए जाते थे, मनसबदारों के पद और वेतन को जात नामक संख्यात्मक पदनाम द्वारा सूचित किया जाता था, मनसबदारों को कभी भी नगद में भुगतान नहीं किया जाता था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये सी वाला गलत है, मनसबदारों को पद और वेतन को जात नामक संख्यात्मक से सूचित किया जाता था, ये क्या है, क्या बताना था? अच्छा, क्या सही, ये सही है, जात, और क्योंकि ये वाला
सभी सिपाहियों को ये भी गलत, वंश के आधार पर ये भी गलत, कभी भी नगद ये भी गलत, तो सी क्या सही है, पद और वेतन को जात नामक संख्यात्मक से स्वीकृत किया जाता था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना हर्षेन के द्वारा की गई थी और ये आगे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बंगाल के किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग की कार्रवाई चलाई गई थी, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। हिस्ट्री वाले क्लास में डिस्कस किए, बर्क नामक व्यक्ति ने जज था वो चलाया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसमें जलवाष्प है, ऑक्सीजन नहीं है, बाकी मेथेन CH4 भी है और CO2 भी है, लेकिन ये ऑक्सीजन इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज के मामले में उत्पादन में MP सबसे नंबर एक पे है, और ये क्वेश्चन आपको करवा भी चुके। अभ्रक का मुख्य रूप से उपयोग किसमें होता है, तो ये वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में विशाल उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो CWG जलवायु पाई जाती है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन एक सबसे उत्तरी भौगोलिक स्थान पर स्थित है, तो 72 का आंसर मानचित्र से सीधा क्वेश्चन है, और मानचित्र देखोगे तो मिलेगा काठमांडू, सबसे उत्तरी छोर पे है काठमांडू, बाकी ढाका थिम्पू ये सब नीचे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू सबसे ऊपर है। निम्न में से किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 में सर्वोत्तम स्थान दिया गया, उत्तराखंड, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। लचित बरफुकन के संदर्भ में क्या सही, वो अहोम बल के जनरल थे, बिल्कुल बात सही। सराई घाट के युद्ध 1671 में नेतृत्व किए थे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट लचित बरफुकन स्वर्ण पदक दिया जाता है, ये भी सही है, तो इसका आंसर पहला वाला 1, 2, 3 हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर देशांतरों के बीच की दूरी शून्य हो जाती है, विषुवत वृत्त पर देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम होती है, देशांतरों की संख्या अक्षांशों की संख्या से अधिक होती है, देशांतर कितने हैं 360 हैं और ये कितने 179 हैं, अक्षांशों की संख्या अक्षांश रेखा की, वैसे अक्षांश क्या 180 है, तो ये वाला 3 तो बिल्कुल बात सही है, 3 सही है, तो ये वाला एक गया और ये बचा सी वाला 1, 2, 3 या केवल 1, 3, यानी पहला भी सही है। इससे उत्तरी ध्रुव ऐसे आप वहाँ भी एलिमिनेट करें, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव देशांतरों के बीच की दूरी शून्य हो जाती है, बिल्कुल बात सही है, ये तो 1 भी सही है, 3 भी सही है। अब दो बना ये है, विषुवत वृत्त पर देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम होती है, विषुवत वृत्त ये मान लो ये ऐसे खींचे देशांतर, यही देशांतर तो है, तो ये विषुवत वृत्त पर ये दूरी क्या अब हमेशा अधिकतम होगी, ये भी बात सही है। तो पहला भी सही, दूसरा सही, तीसरा सही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बिना कहे समझे 75 का आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी। मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में पाटलपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो पाटलपुत्र की स्थापना यानी पाटलपुत्र राजधानी उदयन के द्वारा बनाया गया था। मृच्छकटिक के रचनाकार कौन है, तो मृच्छकटिका कौन शूद्रक, मृच्छकटिका को किसने लिखा, शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्वेदी इंट्रूसिव अग्नेय शैल है, तो ये आपकी कौन है, तो ये है बैथोलित, कौन सी है बैथोलित, इसका सही जवाब हो जाएगा। सोयल फार्मिंग रेजिम में जिस क्षेत्र में वाष्पोत्सर्जन वर्षण से काफ़ी अधिक होता है, वहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया घटित होती है, कैल्सिफिकेशन की क्रिया, वहाँ पर जहाँ पर वर्षा की तुलना में वाष्पन ज़्यादा होता है, इवापोरेशन ज़्यादा होता है। यदि नई दिल्ली में दोपहर के 12 बजे हैं तो लंदन UK में क्या समय होगा, देखो नई दिल्ली पूरब में पड़ता है और लंदन यहाँ और बीच का शहर है, 5 घंटे का गैप है, तो जाहिर सी बात है सूर्य यहाँ पर जल्दी उगेगा, तो यहाँ पर समय ऐड किया जाता, इधर जाते हो तो माइनस होता चले जाएगा। यहाँ पर मान लो अभी दिन के सुबह के 7 बजे हैं, तो ये आधा घंटा हटा दीजिए, तो यहाँ पर 5 घंटा और हटा दीजिए, यानी और सुबह का समय होगा। अब यहाँ पर 12 बजे हैं तो 5 घंटा पीछे जाइए, तो आप कहेंगे सर 7 बजा होगा, और आधा घंटा और पीछे जाइए तो आप कहेंगे सर 6:30 होगा, लेकिन कब का होगा, AM का होगा, ये होगा जब यहाँ दोपहर होगा तो वहाँ पर सुबह हो रही होगी, यानी 6:30 हो रहा होगा, तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा, ए 80 का आंसर क्या हो जाएगा, ए अच्छा क्वेश्चन ने पूछा है, PM नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अंतरतम भाग में पाया जाता है, तो लेह माइन, 81 का आंसर क्या हो जाएगा, डी लेह माइन पाया जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष प्रजाति हिमालय पर पाई जाती है? ओक, उसके बाद रोडेंडंड्रॉन और रोजवुड। तो इसका आंसर 82 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी एक दो रोज, ये रोजवुड के अलावा ओक और रोडेंडंड्रॉन ब्रुंसी से कहा जाता पाया जाता है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बृहज्वार के लिए है? तो ये बृहज्वार कब आएगा, जब सीधी स्थिति में होंगे, और सीधी स्थिति में होंगे तो ये युति कंजक्शन वाली कहलाती है, सिजी की स्थिति, और बियोति वाली अपोजिशन में नहीं होगा बृहज्वार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर 83 का आंसर हो जाएगा केवल एक, क्योंकि ये आपका समकोवर्पा होगा, वो भी स्थिति में नहीं होता। निम्नलिखित में से किसने द लास्ट सपर को चित्रित किया था? तो नाम से ही पता चल रहा, द लास्ट सपर को किसके द्वारा चित्रित किया गया था? लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। यांडबू की संधि किससे संबंधित है? 1824 से 26 के बीच ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, तो इसका संबंध किससे है? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध से है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की क्षमता कितनी? 100/10 कर दो, 0, 0, 10, तो ये 10D आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो 86 का आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की समूह की रेखाएं तेलंगाना से लगती हैं? ये आपको बताना है, तो ऐसे राज्य आप जरूर देख लीजिए, तेलंगाना के साथ सीमा कौन कौन बनाता है? तो तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश तो बनाया गमगा ही, ऐसे सोच लीजिए, उससे अलग हुआ है, और उसके बाद बाकी तीन राज्य और बनाते हैं। कर्नाटक बनाता है, उधर कर्नाटक के बगल ही अगर मानचित्र आप देखेंगे, ये कर्नाटक हो गया, ये तेलंगाना हो गया, इधर वाला ये महाराष्ट्र हो गया, तो इधर से छत्तीसगढ़ हो गया, तो छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश, इधर से आंध्र प्रदेश से घेरे हुए है, ऐसे आंध्र प्रदेश ये ऐसे, और महाराष्ट्र, तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो आंसर हो जाएगा 87 का D। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? लोकटक मणिपुर सही है, कुलेरू आंध्र प्रदेश सही है, रुद्रसागर ये गलत है, रुद्रसागर त्रिपुरा में है, बाकी बारापानी मेघालय ये सही है, बारापानी याद रखिए, मेघालय। भारत में ऐसे कितने तटीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तटीय राज्य पूछा है, तो एक तो गुजरात इधर से मिलेगा आप चलेंगे, तटीय राज्यों में एक तो गुजरात मिल जाएगा, तो टोटल 8 हैं, तो टोटल तो एक तो हो नहीं सकता, क्योंकि इधर आओगे तो त्रिपुरा एक तटीय राज्य मिल जाएगा, नहीं, तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, दो राज्य केवल मिलेंगे तटीय राज्यों में। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। स्टीवर्ट द्वीप, बे ऑफ बंगा, बे ऑफ प्लेंटी, हाक बे कहाँ स्थित हैं? तो ये कहाँ स्थित हैं, तो ये हैं न्यूजीलैंड में, ये स्टीवर्ट पूछे या बे ऑफ प्लेंटी पूछे या हाक बे पूछे, ये सब कहाँ स्थित हैं, तो ये न्यूजीलैंड में स्थित हैं। भारत यूएन पीस मिशन में महिला टुकड़े की तैनाती करने वाला विश्व में पहला देश है, या मिशन किस देश में प्रचालित है? तो यह है सूडान में, किस देश में यह मिशन? सूडान में संचालित है। अगला है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना, तो ये सेवा समिति कहाँ, इलाहाबाद में, किसके द्वारा? हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा स्थापित किया गया था, तो 93 का आंसर हो जाएगा बी। कब? 1914 में। कोया और कोडा जनजाति का संबंध किस विद्रोह से है? कोया और कोडा जनजाति का संबंध पूछा जाए तो ये गुडेम विद्रोह, ये 1886 में हुआ था, गुडेम विद्रोह 1886। बाकी तेलंगाना सशस्त्र विद्रोह 1946 से 51 तक चला। रंपा पूछे, रंपा याद कर लीजिए, 1922 से 24 दो साल तक चला, ऑप्शन दो बारे चला रंपा, एक 1879-80 के बीच चला है, तो दो राउंड में चला रंपा, तो एक 1879 से 80 के बीच, एक 1922 से 24 के बीच, दोनों याद रखिएगा, और गुडेम विद्रोह 1886। त्रावणकोर की लड़ाई कब हुई, जिसमें कोलाचल की लड़ाई, त्रावणकोर के राजा ने डच को पराजित किया, तो ये 1741 में। राय गज केसरी व दाय गज केसरी की उपाधि, एक और उपाधि मिल गई राजा महाराज की उपाधि के साथ साथ, राय गज केसरी और दाय गज केसरी, एक और आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ये उपाधि काकतीय वंश के
जो काकती थे उसके राजा महाराजा धारण करते थे। निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो उसका है गुजरात। माझे विद्यापीठ के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो माझे विद्यापीठ ये किसके द्वारा? नारायण सुर्वे के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? नारायण सुर्वे। माझे विद्यापीठ नारायण सुर्वे। हिंदू धर्म की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा कहाँ की गई थी? तो हिंदू धर्म कौन? राधाकांत देव। कहाँ? राधाकांत देव, देव देव ये सब कहाँ? कोलकाता से संबंधित है। तो हिंदू धर्म की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा कोलकाता में की गई थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी? ये अगला इम्पॉर्टेंट फिर आया। तो नरकेसरी की उपाधि किसके द्वारा धारण की? विजयालय, विजयालय ने नरकेसरी। तो ये विजयालय कौन है? किस वंश का संस्थापक है? चोल या पल्लव? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप कहेंगे पल्लव या चोल, तो आप कहेंगे चोल। विजयालय था और यही इसी के द्वारा नरकेसरी, नर से केसरी, केसरी इसी ऐसे याद रख लो, संस्थापक भी था। और ये केसरी व्याघ इसका प्रतीक भी है। व्याघ्र, 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 बाघ, व्याघ्र किसका? चोलों का। और पल्लव का कौन है? भैंसा, भैंसा या कुछ और बताए हैं? तो आप कहेंगे वृषभ सर बताए थे। ज्वालामुखी उद्गार होने पर ज्वालामुखी के शीर्ष पर बनने वाले गर्त को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो इसको बोलते हैं क्रेटर। मान लो ये आपका उद्गार हो रहा, ये निकल रहा, तो ये जो शीर्ष पे बनता है गर्त, ये वाला, इसको क्रेटर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सोमदेव कथा सरित सागर, अश्वघोष बुद्ध चरित, बिल्लहर विक्रमांक देव चरित, कालिदास वासव दत्ता, ये गलत है। तो इसका 102 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। मथुरा कला शैली में भगवान बुद्ध की मूर्तियां किस मुद्रा में बनाई गई है? तो मथुरा कला शैली है, जाहिर सी बात है बुद्ध इस समय अभय मुद्रा के रूप में हैं, तो ये अभय मुद्रा इसका आंसर हो जाएगा मथुरा। निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होता है? तो मैग्नेसाइट, इसको मैग्नेफिसेंट से याद रखिए, मैग्नेसाइट सबसे अच्छा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। अवे निकाह किया वही वाला है ये, अवे मथुरा में निकाह किया, तो हमने कहा था इस ट्रिक से याद रखोगे तो सारे के सारे आपके याद हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पूछा कौन कब स्थापित हुआ था ये आपको बताना है। तो इमाद शाही 1894 में, आदिल शाही 1889 में, निजाम शाही इमाद शाही 1484 में, आदिल शाही 1489 में, निजाम शाही 1490 में, उसके बाद कुतुब शाही 1513 में। ये गलत है, ये 1526 नहीं है, लास्ट वाला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? स्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवारी, मुनरो, महालवारी, मैकिंजी। तो इसका 1, 2, 3 तीनों सही है। निम्नलिखित में से किसने तिलपत की लड़ाई में मुगलों को हराया था? तो तिलपत की लड़ाई हुई थी और तिलपत की लड़ाई में मुगलों को किसके द्वारा हराया गया था ये आपसे पूछा गया है। तो ये चोरामन, चोरामन के द्वारा तिलपत की लड़ाई में मुगलों को हराया गया था। तो 106 का आंसर हो जाएगा डी। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष 5 राज्यों में कौन शामिल नहीं है? हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु शामिल, लेकिन ये असम बॉटम 5 में शामिल था, तो शीर्ष वाली यहाँ कोई बातें नहीं। नीति आयोग द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष 5 राज्यों में कौन शामिल नहीं है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, इसमें लग रहा है कि ऑप्शन कुछ गलत है। नीति आयोग द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स 2020-21 में यूपी की स्थिति क्या है? यूपी किस रूप में शामिल था? तो यूपी एस्पायरेंट के रूप में शामिल था, या फिर फ्रंट रनर के रूप में, या फिर परफॉर्मर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके संबंध में हमने काफ़ी डिटेल करंट वाले में चर्चा किया है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है कि यूपी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स में किस रूप में शामिल था ये आपको बताना है।
निम्नलिखित में से कौन एक भूमध्य सागरी देश नहीं है? तो इसमें कौन एक भूमध्य सागरी के तट के आसपास इसमें नहीं आता है? तो ये ट्यूनिशिया नहीं आता, बाकी लीबिया, मिस्र, उत्तरी सूडान ये सब आते हैं। निम्नलिखित में से किसने शिशुपाल वध की रचना की है, ये आपको बताना है। तो शिशुपाल वध की रचना माघ के द्वारा की गई है। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो लदांग का मिल्पा मेक्सिको हो जाएगा, लदांग का मलेशिया हो जाएगा, रोका का ब्राजील हो जाएगा, मसोले का जायरे हो जाएगा। तो एक का चार, बी का तीन, सी का दो, यानी पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, डी का पहला। तो 111 का क्या हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। तो किसी एक के द्वारा नहीं, बल्कि ये सन भी याद रखिएगा। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में आत्माराम पांडुरंग, ददोबा पांडुरंग, बालकृष्ण जायकर, जम्बेकर शास्त्री, ये सभी लोग मिलके किए थे। निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ ने राजा मानसिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के दरबार में सेवाएं दी थी, ये आपका। तो ये कौन बैजू बावरा के द्वारा इसी सेवाएं दी गई थी। सूफी कृत कश्फ अल महजूब का लेखक कौन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लगाइए आगे के लिए पीसेस में पूछा जाएगा। कश्फ अल महजूब का लेखक कौन है, अबुल हसन अल हुजवीरी, यानी पहला वाला इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कानपुर षडयंत्र 1924 के से कौन संबंध नहीं है, मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी, मोहम्मद अली, तो इनका संबंध इसमें मोहम्मद अली से नहीं है। तो 115 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेली नहीं है, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, तेज बहादुर सप्रू, एम आर जायकर, कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी, बी आर बाल गंगाधर तिलक, जमायत उल उलामा ए हिंद, मौलाना महमूदल हसन शेख उल हिंद, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, एम एन राय। अब इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है, चार ऑप्शन थे, आंसर भी आप सोच लिए होंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अभी आपको बताए हैं, मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, ये सब मिलके किए थे। तो लास्ट वाला गलत है, जबकि एम एन राय के द्वारा सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1921 में। बाकी कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी पूछा जाए, डेमोक्रेटिक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, तो कांग्रेस, एक और आपका पता चला, ये सब पार्टियां इकट्ठा भी क्रोनोलॉजी या कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी पूछा जाए तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, ठीक। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी हो चुका, डेमोक्रेटिक बाल गंगाधर तिलक वाली हो गई कांग्रेस डेमोक्रेटिक। और एक आपको बताए थे क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी सोमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1842, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी पूछे 1900, स्वतंत्र पार्टी दल 1936 में अंबेडकर, और फिर बाल गंगाधर तिलक की पूछी जाए तो कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी हो जाएगी। उसके बाद ये आपकी जमायत उल उलामा ये हिंद, मौलाना महमूदल शेख उल हिंद, और ये नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। तेज बहादुर सप्रू और एम आर जायकर, तो जायकर और तेज बहादुर सप्रू, जायकर और तेज बहादुर सप्रू दोनों ने नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना किए थे। नेशनल लिबरल फेडरेशन, ये लिबरल होगा, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, इनका क्रोनोलॉजी लगाना 1866, पूना सार्वजनिक सभा 1800, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास वाली 1884 है, और बॉम्बे वाली 1885 है। जब भी आ जाए तो, यानी मद्रास पहले आएगा, बॉम्बे बाद में, तीन चार लास्ट में आना चाहिए। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये वाला सही हो जाएगा। तो ईस्ट इंडिया 1866, दादा भाई नौरोजी, पूना सार्वजनिक सभा, ये पूना वाला 1870, और मद्रास महाजन सभा 1884, बॉम्बे। तो एक दो तीन चार इसका 117 नंबर का आंसर हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल बात सही। निम्नलिखित में से कौन एक काकोरी षडयंत्र से संबंधित नहीं है, काकोरी वाला फिर आ गया, रामप्रसाद बिस्मिल है, राजेन लाहरी है, यानी काकोरी का मतलब हुआ एक तो कानपुर और एक काकोरी, कानपुर काकोरी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल आले।
राम प्रसाद, राजेन लाहौरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, तो इसमें सुरसेन इससे संबंधित नहीं है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? हांसू। कर्क रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो ये आपको बताना है। तो कर्क रेखा किस देश से होकर गुजरती है, ये सब आप याद करवा दिए हैं वीडियो अगर आपने देखा होगा तो। 120 का आंसर क्या हो जाएगा? माली। माली से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पत्थर पर बनी उभारदार मूर्त कला के रूप में स्वर्ग से गंगा नदी के उत्तरण का चित्र, यानी स्वर्ग से गंगा नदी अवतरित हो रही है, ये कहाँ दिखाया गया? महाबलीपुरम में ही दिखाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? साइप्रस, भूमसागरी समुद्र, फॉकलैंड, अटलांटिक, चागोस, उत्तरी प्रशांत, इसलास, कोकोस, हिंद महासागर। इसमें 122 में कौन सा गलत है? तो ये चागोस वाला हिंद महासागर में है, ना कि प्रशांत। बाकी याद कर लीजिए, साइप्रस भूमसागर समुद्र से घिरा है, फॉकलैंड अटलांटिक है, फॉकलैंड की जलधारा याद करिए, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का दक्षिणी छोर का पूर्वी किनारा, इसलास कोकोस पूछे हिंद महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुदूर दक्षिणी अक्षांश पर अवस्थित है? तो कौन है? चिली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिली हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी नेता नहीं था? साम्यवादी नेता पीसी राय, एस ए डांगे, मुजफ्फर अहमद, सिंगार वेलू। तो इसमें बताना है कौन इसमें नहीं था? पीसी राय नहीं थे, बाकी ये डांगे, मुजफ्फर अहमद, सिंगार वेलू ये सब थे, तो इसमें पीसी राय नहीं थे। सुमंगल विलासिनी का संबंध किससे है? तो ये है दीघ निकाय। सुमंगल विलासिनी पूछे तो ये दीघ निकाय से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम शैल समूह है, ये पूछा जा रहा, तो 126 का आंसर होगा बी, आर्कियन। बाकी तो ये विंध्ययन सबसे पुराना आर्कियन है, इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है? इडुक्की। ये उसमें सख्त संयंत्र वाला नहीं है, बल्कि ये जल विद्युत वाला है, तो गलत हो जाएगा। साबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रवाह सिंचाई, राम गंगा सही है, तो 2, 3, 4 इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है, ये पूछा है, तो नेपाल के साथ बताए थे, खाया पिया बहरा साला बल से महाराज, समझ बीमारू बाप, तो खाया पिया बहरा साला बल से महाराज। और नेपाल में ये भारत के ज़िले हैं, लेकिन इसमें यूपी की लगती है, बिहार की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है नेपाल, लेकिन असम की नहीं लगती, तो 128 का आंसर क्या होगा? डी। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित क्या है? ग्रीन मफलर। फिर आगे डेल्टा में मिलान करवाना, पंजी डेल्टा मिसिसिपी हो जाएगा, पच्ची पंजी डेल्टा, चापाकार डेल्टा, चाप नील नदी बनाती है, अग्रवर्धी डेल्टा टाइबर, जवान नदी मुख डेल्टा सेडन। तो इसका आंसर है 1, 2, 3 होना चाहिए, तो 130 का आंसर हो जाएगा डी, पहले से सुमेलित हैं 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी जो दिए गए ऑप्शन में कौन है? माउंट एटना सक्री, स्ट्रामबोली सक्री, म्यून सक्री, माउंट किलिमंजारो। तो 131 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। किसके द्वारा सरहुल उत्सव मनाया जाता है? तो ये संथाल झारखंड, सरहुल वो ये पूछे तो झारखंड। निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, ये आपको बताना है। नीलगिरी, कार्डामम, नल्लामाला, अन्नामलाई, ये चार हैं, और चारों का क्रम लगाना है कौन सा, तो 1, 2, 3, 4 पहले से लगी हैं, नीलगिरी, फिर कार्डामम, फिर नल्लामाला, और सबसे लास्ट में अन्नामलाई। तो नीलगिरी, कार्डामम ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लो। नीलगिरी के बाद कार्डामम, नल्लामाला, फिर अन्नामलाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक पवन तप्त व शुष्क नहीं है, ये आपको बताना है। तप्त व शुष्क मतलब कौन सी है? ठंडी, और ठंडी एक ही है, उसका नाम है मिस्ट्राल। तो 134 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। बताना है फिर कौन किस में इस्तेमाल होता है? सोयाबीन में किसका प्रयोग किया जाता? एजोला, चियोर, मक्का, इसमें दिए गए कौन किस में यूज होता है, इंपॉर्टेंट लगाओ इस बार का क्वेश्चन। तो सोयाबीन में राइजोबियम, एजोला, एनावेना,
एक ऐसे मिला दो, एना वेना एजोला हो गया, सोयाबीन में राइजोबियम, चियर माइकोराइजा, और मक्का में एजो स्पायरिलम। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, विलियम वेंटिक अंग्रेजी शिक्षा, वारेन हेस्टिंग्स स्थानीय स्वशासन, ये गलत है क्योंकि ये रिपन स्थानीय शासन रिपन का काल है। लॉर्ड रिटन वर्नाकुलर फ्रेश एक्ट ये सही है। कीर्तन घोषा की रचयिता कौन था? कीर्तन घोषा किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया माधो। कीर्तन घोषा ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये माधो घोषा ये किसके शंकर देव के द्वारा लिखा गया है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक कारण से शीतकालीन मौसम में भारत में उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा होती है? तो उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा किसकी वजह से होती है? तो ये होगा पश्चिमी विक्षोभ, शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। निम्नलिखित में से भद्रबाहु के बारे में क्या सही है? वे जैन संत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु भी थे। तो यहाँ पर दोनों सही, 139 का सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु और ये कौन थे? जैन संत थे। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन? डोडा बेटा। नीलगिरी पूछे डोडा बेटा, दक्षिण भारत की पूछे तो नाईमुडी। सर्वाधिक जैव विविधता वाला कौन सा क्षेत्र है? दिए गए ऑप्शन में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगा, 141 का हो जाएगा बी। दारा सिकोह ने निम्नलिखित में से किस युद्ध में औरंगजेब से उत्तराधिकार की लड़ाई अंतिम रूप से हारी? तो दारा सिकोह बेचारा हारा था, दारा सिकोह। तो वो कौन सी थी? तो ये थी सामुगर। सामुगर की युद्ध अंतिम ये लड़ा था उत्तराधिकार के लिए दारा सिकोह। LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन है क्या? बायोगैस का मीथेन है क्या? तो चाहे प्राकृतिक गैस पूछी जाए, प्राकृतिक गैस, चाहे बायोगैस पूछी जाए, चाहे CNG पूछा जाए, सबका सी उठा करके CH4 मीथेन लगा देना सही है। बाकी LPG का ब्यूटेन है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा 143 का सी। 144, रिवलसर झील कहाँ पर स्थित है? तो रिवलसर झील ये कहाँ हिमाचल प्रदेश में स्थित है? राजसमंद पूछता तो राजस्थान। निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है ये बताना है? तो ये डफला जयंती मिकिर। तो 145 का आंसर क्या हो जाएगा? 145 का ये पहले से लगा, डफला जयंतिया मिकिर, डफला जयंतिया मिकिर। उत्तर से दक्षिण क्रम, उत्तर से दक्षिण आओगे डफला जयंतिया मिकिर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सीमा काला सागर से नहीं लगती है? ब्लैक सी। ब्लैक सी से बताना है किसकी सीमा नहीं लगती है? तो इसकी क्रोशिया की नहीं लगती, बाकी रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन की लगती है। काला सागर इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए भी। निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म संरचनी सभा से संबंधित है? हिंदू धर्म संरचनी सभा से कौन संबंधित है ये आपको बताना है। तो 147 का आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का समकालीन था? कौन था अमीर खुसरो का समकालीन? कौन सा ये प्रसिद्ध कवि नहीं, कौन शासक? तो अमीर खुसरो के समकालीन कौन? अलाउद्दीन खिलजी था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चित्रकूट छत्तीसगढ़ में है क्या? इंद्रावती नदी पे गोकक कर्नाटक में है, धुआंधार मध्य प्रदेश में, डुडुमा ये गलत है। 149 का हो जाएगा डी। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमाएं भारत के अधिकतम अन्य राज्यों के साथ मिलती हैं? उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है असम। सबसे ज़्यादा जो अन्य राज्यों के साथ सीमा लगता है उस राज्य का नाम है असम। तो ये आज का ये डिस्कशन था, 150 क्वेश्चन। इसके बाद दो टेस्ट का और आएगा, फिर आपका 20 पूरे के पूरे टेस्ट आपको उपलब्ध करवा दिए गए। आप ज़रूर सबको देखिएगा, एग्जाम में ज़रूर बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत।